पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पत्र लिखा है, तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दरभंगा एम्स पर लगातार सियासत जारी है। बताते चले आपको, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पत्र लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार स्थल स्वीकृति पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, तेजस्वी यादव ने सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई। दरअसल दरभंगा एम्स को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया था, जिसके बाद तेजस्वी के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी उन्हें तीखे अंदाज में ही जवाब दिया है। अब एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लें। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार सरकार ने दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल के एक विशोभन बाईपास पर 151 एकड़ भूमि निःशुल्क केंद्र सरकार को हस्तांतरित की है, लेकिन पता नहीं कि केंद्र सरकार स्थल स्वीकृति पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। तो वहीं यह भी कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में दरभंगा में एम्स खुलवा चुके हैं, दरभंगा एम्स पर जबरदस्त सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है मनसुख मंडाविया को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एम्स का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, स्वीकृति क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जमीन आवंटित किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, दरभंगा एम्स को लेकर के काफी ज्यादा सियासत हो रही है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है तब से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बिल्कुल देखिए, दरभंगा एम्स अभी बना भी नहीं और देखिए किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, और अब तो मामला इतना आगे बढ़ गया है कि अब दोनों धड़े, चाहे बात करें बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए कि खुद केंद्रीय मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इधर बिहार के जो डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि दरभंगा एम्स के मसले पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, और पीछे हटने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि दरभंगा एम्स वहां के लोगों के लिए लंबे अरसे से वो लोग मांग कर रहे हैं कि दरभंगा में एक अच्छा अस्पताल हो। क्योंकि दरभंगा की अगर बात करें, दरभंगा के आसपास के इलाकों की बात करें, मधुबनी की बात कर लें या अन्य जो इलाके हैं उनकी बात कर लें, तो वहां के लोगों को इलाज में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाज का एकमात्र सहारा राजधानी पटना में स्थित पीएमसीएच है, वहां भी आते हैं तो सही इलाज नहीं मिल पाता है, मजबूरन दिल्ली एम्स एकमात्र सहारा होता है। वहाँ जाने के लिए आप समझिए कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, 2 जून की जिनके पास रोटी नहीं है, वो आप जमीन बेचकर अपने परिजनों का इलाज कराते हैं। तो दरभंगा एम्स की बात जैसे ही आती है, लोगों के मन में एक उम्मीद जगती है कि जो बीमारी से लोग ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी जिन्हें होती है, कम से कम एक अस्पताल खुलेगा, वहाँ पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। और यही डर है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि कहीं लोगों के मन में ये चला गया कि राजनीति इस पर जमकर हो रही है, चुनाव के समय चाहे केंद्र सरकार के नेता हो, यानी बीजेपी के नेता हो, या फिर महागठबंधन के नेता, वादे तो लंबे चौड़े कर देते हैं कि दरभंगा में एम्स बनेगा, किसी को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है, देखिए किस तरीके से इस पर नूरा कुश्ती होती है। कोई कहता है कि हम जमीन दे रहे हैं, कोई कहता है कि हमें जमीन अधिग्रहण में मुश्किल हो रही है, लेकिन इन सब नूरा कुश्ती के बीच देखिए तो आम जनता ही पिस रही है। डीएमसीएच की बात करें, तेजस्वी यादव ने बाकायदा सारी चीजें लिखी हैं कि क्यों एम्स के निर्माण में इतनी देरी हो रही है, आखिर केंद्र सरकार की मंशा क्या है, यानी केंद्र पर सीधे सीधे उन्होंने ठीकड़ा फोड़ दिया है कि हम तो जमीन आपको शोभन में देने के लिए तैयार हैं, आप वहां एम्स क्यों नहीं बना रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया है। लेकिन अब आप डीएमसीएच बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो कोई सुध लेने वाला था नहीं। आज भी अगर डीएमसीएच में कोई जाए तो उम्मीद नहीं है कि वहां पर लोगों को बेहतर इलाज, बेहतर सुविधा, दवाएं आदि जो हैं वो उपलब्ध होंगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार की बात पिछले
साल तक होती थी, जब बिहार में एनडीए सरकार में जेडीयू उनकी साझीदार हुआ करती थी, तब केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के लोग डबल इंजन की रफ्तार से बिहार में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात करते थे। लेकिन जैसे ही आप सरकार से बाहर होते हैं, आप इस पर जमकर राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जो आम जनता है, जिसे आस और उम्मीद लंबे अरसे से है कि दरभंगा में एम्स खुल जाएगा और उनकी सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं इस आपसी नुराकुश्ती, आपसी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार कहती है बीजेपी को कि बड़का झूठा पार्टी है। नरेंद्र मोदी के इस क्लिप को काफी ज्यादा वायरल किया गया और कह रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बड़का झूठा पार्टी है और यहां पर भी झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जब जन सरोकार के मामले आते हैं और उस पर नेताओं की इस तरह से संवेदनहीन बयान आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो संवेदनशीलता है, जो शुचिता है राजनीति की, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ चुकी है। क्योंकि आप सोचिए, बहुत ही गरीब इलाका है दरभंगा, और आसपास के इलाकों की बात करें तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है बिहार में वो दरभंगा से ही होता है। 10,000 की नौकरी के लिए यहाँ के लोग जो है पलायन करके दिल्ली या अन्य शहरों में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से भी देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा पलायन है। लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, फिर भी इलाज उन्हें नसीब नहीं हो पाता है। और सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। आप सोचिए कि हॉस्पिटल खुलने को लेकर वहां के लोगों में कितनी उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि हर साल लोग त्राहिमाम करते हैं, परेशान होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, और आने वाली पीढ़ी उनकी परेशान ना हो इसीलिए उन्हें भी उम्मीद और आस बंधी हुई होती है कि दरभंगा एम्स खुल जाएगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हर साल चुनावी वादा ये होता है और कहीं ना कहीं यही राजनीति का आरोप प्रत्यारोप में उनकी जो एक महत्वपूर्ण जो मांग है वो दूर होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नुराकश्ती इस वक्त हो रही है, तेजस्वी यादव केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्रीय नेता जो हैं वो ट्वीट पर आकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके पीछे का डर समझिए। डर ये है कि अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें सारे जो दल के नेता हैं वो जाएंगे, फिर क्या जवाब देंगे वहां पर, किसके सर आप ठीकड़ा फोड़ेंगे, उसकी जो पटखटा है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो अभी से ही तैयार हो गई है। चाहे महागठबंधन के नेता अब जब 6 महीना बाद वहां जाएंगे तो ये दावा करेंगे कि केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाल दिया, केंद्र सरकार की वजह से जो ये महत्वपूर्ण योजना है उसने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार के लोग जाएंगे, बीजेपी के लोग जाएंगे, तो वो बहाना मारेंगे कि हमें जमीन मुहैया राज्य सरकार ने नहीं कराया, जमीन अधिग्रहण में हमें राज्य सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। यानी कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट, जो बहाना आपको जाकर जनता के बीच बनाना है, उसकी पटकथा आपने अभी से ही तैयार करनी शुरू कर दी है। और चुनाव में आप जाएंगे और फिर वही बात करेंगे, फिर वही वादा करेंगे, और उसके बाद तो फिर जो वादा खिलाफी जो आम नेता करते हैं वो तो होनी ही है। लेकिन इसके पीछे की वजह यही है कि नेताओं में एक बात का तो डर जरूर है कि जो सपने 2019 के चुनाव में आपने दिखाए, 2020 के चुनाव में दिखाए, अब उसका हिसाब लेने की बारी जनता की आ चुकी है। और जनता के बीच आप कैसे जाएंगे, जनता के बीच क्या कुछ बहाना देंगे, उसके लिए अभी से ही आप सारी कवायद कर रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे केंद्रीय नेता हों, बिहार के नेता हों, ये इस मसले पर आपसी नुराकुश्ती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से गेंद जो है दूसरे के पाले में फेंकने की तैयारी हो रही है ताकि उसमें अपना गला ना फंसे। लेकिन जनता समझदार है, जनता पहले जनता वाली जरूर रही समझदार नहीं है, लेकिन ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ये जो पेच फंसी हुई है, इससे जनता को काफी ज्यादा नुकसान है और इस राजनीति में जो जनता है उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए रितेश, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।